बहन अमरक और आइए स्वागत सम्मान की तो ये जगह नहीं है, लेकिन तू मेरी बड़ी बहन है, तेरे श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज किस तरह से यहाँ आने का कष्ट किया है? हे भैया भगत सिंह, हाँ तुम अच्छी तरह जानते हो कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ हाँ, और आज मैं तुम्हारी कलाई में राखी बांधने के लिए आई हूँ। अच्छा, और अपना नेक भी मांगने के लिए आई हूँ। अच्छा, नेक में धन दौलत नहीं मांगूंगी भाई, तो सिर्फ इतना ही कहूंगी क्या कि तुम अंग्रेजों से माफी मांग लो। अगर तुम इनसे माफी मांग लोगे तो ये तुम्हें फांसी नहीं लगाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई भगत सिंह को फांसी लगे। अमर कौर, माफी दो तरह के लोग मांगते हैं, या तो अपने देश का गद्दार हो या किसी का गुनहगार हो। ना तो मैं अपने देश का गद्दार हूँ और ना मैं किसी का गुनहगार हूँ, माफी की कोई बात नहीं है। लेकिन तुम नहीं जानते भाई, क्या एक बहन के लिए भाई का होना कितना जरूरी होता है। अच्छा, बिना भाई के एक बहन अधूरी होती है। मानता हूँ इस बात को, लेकिन मेरे बिना भी, मेरे खून के बिना भी आज हमारी भारत माँ सुनी है। बहना, मुझे अपनी भारत माँ को आजाद कराना है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए, क्या कहना चाह रही हो? सुनिए मेरी बात भैया। हो जब आवेगा भगत सिंह त्योहार, हो मेरी माँ की जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। हरि देश ते जुड़ा है पहला प्यार, ओ बेबे क्यों घबरावे, भारत रहेगा तेरे साथ में। हाल होगा गाम गली और कुटब कबीला, सभी के मलाल होगा। मतलब का जमाना सारा किसी को ना ख्याल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को ना ख्याल होगा। देश की कोन्या मेर, देश की खातर जान गवा दे, वो ही मान्या जाता शेर। हंसी खुशी घर वापिस जाइए, आंसू क्यों रही से गेरे, हंसी खुशी घर वापिस जाइए, आंसू क्यों रही से गेरे। मेरे झीले ना किसी पे ऐसी मार हो, दुखड़ा पावे रोया करेगी दिन रात में, भारत रहेगा तेरे साथ में।
खाए बैठे। मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यो अपनी दीर बंधाए बेटी। मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यो अपनी दीर बंधाए बेटी। अरे 900 बरस गुलामी भोगी सारे याद मुझे इतिहास। आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जब मेरी आस। भोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास। भोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास। हेरे सिर पे उठाया कैसा भारी हो, होकर मन के चाहे होती ना समाई। मेरे भारत रहेगा तेरे साथ में। धीरज नागर जी मोहम्मदपुर, उनकी तरफ से भी देशभक्ति रागनी पर 500 रुपए का पुरस्कार आया है। आदरणीय महावीर बीजेपी नेता बहुत ही समाज सेवी, उनकी तरफ से भी 1100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय डालू राम जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। कहिए अमर कौर, क्या कहना चाह रही हो? हे भैया भगत सिंह, हाँ तुम नहीं जानते क्या कि एक लड़की एक बहन के जीवन में दो त्योहार बड़े कीमती आते हैं। पहला त्योहार तो वो होता है हाँ। जो आज है अच्छा। रक्षाबंधन का त्योहार हाँ। हर बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है। और दूसरा त्योहार एक बहन की जिंदगी में वो आता है भैया हाँ। कि जब एक बहन अपने बच्चों की शादी करती है हाँ। तो बाट देखती है कि आज मेरा भाई भाती बन के आएगा हाँ। आज मेरी दुरानी जिठानी अगर पड़ोसन के सामने मेरी इज्जत बढ़ा के जाएगा हाँ। मेरे सर चुंदड़ी उड़ाएगा। लेकिन भैया आप तो इस देश के लिए जान देने जा रहे हो, फिर कौन तो मुझसे राखी बंधवाएगा और कौन मेरे सर पे चुंदड़ी उड़ाएगा? अमर कौन मेरा भाती बन के आएगा भैया? अमर कौर, ये भारत माँ जिसके लिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ, वो भारत माँ तेरा सारा नेक जोग निपटाएगी। ये भारतवासी तेरे साथ रहेंगे। तू तो एक शेर की बहन है, शेर की बेटी है, इस तरह से आंसू बहाना तुझे शोभा नहीं देता। कह दे क्या कहना चाह रही है? सुनिए मेरी बात भैया। डगमग हिरदे डोल राम मेरे नैनो से रुके ना नीर। ब्याह बात के मौके पे कोड़े भगत सिंह उड़ावे तीर। ब्याह बात के मौके पे कोड़े भगत सिंह उड़ावे तीर। अरे तू शेरों की बहन शेरनी मत रोने का लीजे नाम। दादाजी को समझाना और माता ते कहिए परनाम। मेरी धूल जवानी पे पड़ जाजे यो भारत माता रहे गुलाम। धूल जवानी पे पड़ जाजे भारत माता रहे गुलाम। मेरे माया तेरी कष्ट दिखाए मैं भी मरूंगी तेरे साथ में। भारत रहेगा तेरे साथ में।
समझा दो भाई हा? जिस हकीम ने सजा सुनाई उस ते मुझे मिला दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। अरे हर बच्चा जे बोलेगा हमारा परले तक गुणगान होगा, तेरी राखी के नेक जोग में बहन मारा बलिदान होगा। अरे कह जयकरण कह जयकरण न्यू कहती तेरा री भाती हिंदुस्तान होगा, ओ कह जयकरण न्यू कहती तेरा भाती हिंदुस्तान होगा। सुनेगा सभी रहेगा तेरे साथ।